हे गाइस, तो आज हम बनाने वाले हमारे शोरूम को बुगाटी शोरूम, क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे बुगाटी शोरूम के लिए। कोई बोल रहा था बुगाटी बेचो, कोई बोल रहा था येलो बुगाटी बेचो, तो कोई बोल रहा था ब्लैक बुगाटी बेचो, बस बुगाटी बेचो ये आप चाहते थे। बट ये पहले इजी था, बट आप बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि आप बुगाटी मिलती नहीं, ना ही ऑक्शन में बुगाटी मिलती है जल्दी से, ना ही कार मार्केट में बुगाटी आती, बहुत दिनों बाद एक आधी बुगाटी देखने मिलती है। बट चलो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा बुगाटी हम सेल कर पाया। और लेफ्ट साइड में आप एक चीज देख सकते हैं, आपको देखने मिलता होगा 100 डे हो चुके पूरे इस गेम के अंदर, हमें 100 डे हो चुके। तो गाइस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। नेक्स्ट चैलेंज कौन सा करें वो भी कमेंट करके बता दो, ठीक है। और एक बात देखो, अभी रात के 8 बज गए, अभी देखो ये चले जा चुके। मैंने आपको अनलिमिटेड डॉलर की ट्रिक बताई थी, क्या अभी वो चल रही है, अभी हम उसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, क्या मैं इसको सेल कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, पिछले बारी से हम इसको कितने भी बार सेल कर पा रहे थे रात के, पर अभी वो ट्रिक नहीं चल रही है। तो कुछ लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे कि भैया फेक ट्रिक बताया था, मैंने पहले ही बताया था कि अपडेट के बाद ये ट्रिक चले जाएगी, तो अभी वो यूज़ नहीं हो रही है। तो चलो गाइस, अभी हमें बुगाटी खरीदनी, तो अभी मैं कार ऑक्शन में आ गया, और कार ऑक्शन में बुगाटी मिलती है क्या भाई, कभी मिलती तो नहीं, चलो आज ट्राई कर लेते, अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। एक बार मिली थी मुझे यहाँ पर, बस आज मिल जाए ना तो बहुत सही हो जाएगा, बट मिलेगी तो नहीं पता नहीं। चलो ठीक है, ये वाली कौन सी गाड़ी बेच रहे, ओके। तो कार मार्केट में मैं आ गया, ऑक्शन में मुझे कोई बुगाटी नहीं मिली थी, बट यहाँ पे मुझे एक बुगाटी मिल गई है, और इसके 31,68,886, ओके अपने इसको 10 लाख कम करवा के खरीद लिया है, तो अपने पास में 2 बुगाटी हो गई है। अभी क्या करें, ठीक है अभी वापस जाते, कोई हमारे शोरूम पे बेचने आए तो ठीक है, क्योंकि अपने शोरूम पे एक आधा बंदा आ जाता है बेचने, तो उससे अपन खरीद लेंगे अगर आता है तो, ठीक है, वरना इधर से उधर से ढूंढना पड़ेगा। लगभग 8 बुगाटी तो होना चाहिए, ठीक है। अभी तो इसको मैं इसको रिपेयर करवाते, इसका कलर चेंज करते, वैसे तो एक बंदा मुझे येलो कलर करने को बोल रहा था तो हम येलो भी करेंगे, और एक बंदा ब्लैक का बोल रहा था तो ब्लैक भी करेंगे, सारे कलर कर देंगे। वैसे अभी इसका मैं कौन सा कलर कर दूँ, ठीक है ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इस बुगाटी का मैंने कलर चेंज करवा लिया, वॉश करवा लिया, रिपेयर करवा लिया, एकदम सही बन गई हमारी बुगाटी। इसको ले जाके अभी शोरूम के अंदर खड़ी कर देते और दूसरी ढूंढ लेके नहीं निकलते। देखो यहाँ पे मेरे पास में 3-4 बुगाटी आ चुकी है, तो मैंने इसको इतनी मेहनत से खरीदा है ना, काफ़ी दिन लग गए मुझे, देख सकते हैं आप मेरे कितने हो चुके, 123 डेज हो चुके, पता है क्या, यानी कि 23 दिन लग चुके, और अभी मेरे पास 4 बुगाटी आई है, पता है क्या, इतने 23 दिन के अंदर 4 बुगाटी, अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। उसके अलावा एक और बात गाइस, एक हमारा सब्सक्राइबर है उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिनका नाम है हिमांशु भाई। तो हिमांशु भाई, तो आप चाहते थे मैं आपका नाम लूँ, तो मैंने आपका नाम ले लिया, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा काम करते, अभी जल्दी से इसको रिपेयर करवा लेते, इसको वॉश करवा लेते, और फटाफट से इसको लेकर जाते और इसको पार्किंग में खड़ा कर देते, एक साथ इनको सभी को सेल करेंगे। और भैया नेक्स्ट चैलेंज जो भी है ना वो जल्दी कमेंट कर दो यार, मतलब ज़्यादा लोग अभी कमेंट कर नहीं रहे, पहले बहुत कर रहे थे, जल्दी से जो भी चैलेंज करवाना बिंदास कमेंट करो, बिंदास कोई भी चैलेंज करो अपन करेंगे, बस आपके कमेंट करने की ज़रूरत है। और अभी रात हो चुकी है, देखो मेरे पास यहाँ पे 4 बुगाटी मैंने यहाँ पे पार्क कर दिए। अभी मेरे पास एक और बुगाटी जो मैंने अभी अभी खरीद के लाई थी कार मार्केट से, उसको भी अभी मुझे यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि अपने 5 बुगाटी हो जाएंगी, जो इतने दिन लग गए यार खरीदने को, मिली नहीं बुगाटी, में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, कोई बुगाटी जल्दी मिली नहीं रही, ठीक है। तो देखो एक बुगाटी मेरे वो सामने खड़ी, वहाँ पे मैंने उसको पार्क कर दिया था, मतलब इसे छोड़ दिया था, इसको कोई उठा के तो नहीं लेगा, ठीक है किसी ने उठा के नहीं लेगा। अभी रात में कुछ काम नहीं, तो अपनी बुगाटी यहाँ पे अपन पार्क कर देते, और उसके बाद में जैसे ही मॉर्निंग होगी ना, और बुगाटी ढूंढने निकलेंगे। वैसे बुगाटी बिक ही नहीं रहा भैया, अपने सिटी के सारे बुगाटी आखिर गया किधर है, बुगाटी चिरौन मिल ही नहीं रहा है, क्या करें, कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे पास 5 बुगाटी चिरौन हो चुके हैं, और 2-3 मिल जाए तो सही हो जाएगा, क्योंकि अपने को अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। बुगाटी चिरौन बेचेंगे भैया 50 लाख में तो बेचेंगे, मतलब 40 लाख में नहीं, 50 लाख में तो बिकनी चाहिए, एक बुगाटी चिरौन 50 लाख में बिक जाए तो सही डीलिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं उसे 20 में या फिर 25 लाख तक खरीदता हूँ। ओके ऑक्शन में मैं आ गया, यहाँ पर क्या मुझे बुगाटी चिरौन आज मिलेगी, ठीक है अपन ट्राई करते हैं, यहाँ पे लास्ट वाली कार कौन सी होगी, क्या मुझे ऑक्शन में मिलेगी, नहीं मिलेगी मुझे पता है, ठीक है यहाँ पे टाइम वेस्ट करना कोई फायदेमंद नहीं होने वाला अपने को, और वहाँ पे शोरूम पे कोई आ भी नहीं रहा है, तो अपन कहीं और ढूंढते हैं। ओके तो अभी देखो गाइस, अभी मैं निकलता हूँ कार मार्केट के लिए, कोई ना कोई बुगाटी आनी चाहिए। वहाँ पे मेरे डे कितने हो चुके गाइस, 147, यानी कि 47 डे मैंने खेल लिया, और मेरे पास बस 5-6 बुगाटी, मतलब कितनी बुगाटी मिल नहीं रहा आप सोच सकते, इतने दिनों में मुझे इतनी बुगाटी नहीं मिल पाई, पता है क्या, मैं बस स्लिप कर रहा हूँ, मतलब
सो जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बुगाटी मिली नहीं, ये इतनी महंगी क्यों बच रहा है, क्या है इस बुगाटी का राज। ठीक है 31 में खरीद लेते इसको 31 लाख में। ओके तो ये मेरी 7वीं बुगाटी, इसको लेकर जाते, इसको रिपेयर करते, इसका कलर चेंज कर दे और इसको बेच देते अच्छी कीमत में। मतलब बुगाटी बेचने का फ़ायदा ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा कीमत हमें मिलेगी और हमें उसमें अच्छा खासा फ़ायदा भी होने लगा। ठीक है तो इसको जल्दी से रिपेयर करवा लेते, इसका कलर कौन सा करूँ अभी, और इसको रिपेयर को भी पता है कि 5-6 लाख लग जाते, 5-6 लाख खर्चा लग जाता है। ये बहुत लूट रहा है ये बंदा, अपने को बहुत लूट रहा है। ठीक है इसको देखो रिपेयर करवाते, वॉश करवा लेते, उसका कलर में येलो कर देते। वैसे मैंने एक कार की येलो, पर एक बंदा मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहा था कि येलो एक कार करो सारी कार, बट मैं सारी तो नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे बंदे भी दूसरी बोल रहे, तो भाई आपके लिए मैं 2 कार येलो कर देता हूँ। उसके अलावा देखो मेरे एक शोरूम में एक और ऑलरेडी येलो करी हुई मैंने, और एक ये वाली येलो कर देते। ठीक है तो अभी देखो अपने पास कितनी कार हो चुकी है, ये मिला के 7 कार हो चुकी होंगी मुझे ऐसा लगता है, और देखो कहते अपने पास 7 कार हो चुकी है, और ये 7 कार जमा करने मुझे गेम के अंदर लग गए 50 दिन, पूरे 50 दिन लग गए। इतने सारे दिनों में बस 7 कार जमा हुई, पता है क्या इससे ज़्यादा और जमा नहीं हो सकती, अगर 10 करनी है तो उसके लिए 100 दिन लग जाएंगे। तो ठीक है अभी हम ये 7 कार सेल करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते भैया जमा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है तो हमारे कस्टमर भी आ गए और एक कार मैंने ऑलरेडी सेल भी कर दिए, अभी इनको सेल करते फटाफट से। कितने में खरीदना चाहता भाई तू? ओके 48 लाख में खरीदना चाहता है, इसको मैं 53 में बेचने की कोशिश करता हूँ। ओके बिक गई, आराम से बिक गई, 53 में बेच देंगे, सभी को 53 में बेच देंगे। ज़्यादा महंगी नहीं बेच रहा हूँ मैं, मतलब अच्छी महंगी बेच रहा हूँ। 53 खरीद लेना भाई, नहीं खरीद रहा ये, चलो तू नहीं खरीदेगा दूसरा कस्टमर खरीदेंगे, टेंशन की बात नहीं। 44 में बोल रहा है नहीं 53। ओके खरीद ली भाई ने 53 में, अभी देखो और कस्टमर अपने बाकी, इसको खरीदने की ज़रूरत है, तू कितने में खरीदेगा? ओके ये अच्छी बोल रहा है, ये लगभग 50 लाख तो बोल रहा है, इसको अपन 53 बोलेंगे। ओके खरीद लिए, अभी आपने लास्ट 3 कार बाकी, अभी इनको मैंने सेल पे नहीं लगाया था, जल्दी से इनको भी सेल पे लगा देता हूँ अभी जाकर, और इन 3 कार से मैं 1.5 करोड़ तो और कमाई लूँगा। ठीक है अभी इनको जल्दी से 55 लाख करने वाला हूँ मैं, सभी की प्राइस मैंने 55 लाख लगाई गई, सभी की प्राइस 55 लगा रहा हूँ और उसको 53 में बेच दे रहा, 53-52 में अपन मैक्स बेच देंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे, 52 के ऊपर ही बेचेंगे, 53 में ज़्यादातर खरीद रहे लोग। ओके लास्ट 3 कार से तो इन 3 कार्स को बेच दे दे। उसके अलावा अपने पास एक निसान GTR है जिसको अपन कभी बेचते नहीं, ये अपनी ग्रीन वाली है, इसको अभी कभी हम बेचते हैं, और कोई बंदे तो कमेंट करके बोल रहे भाई आपकी निसान GTR बेच दो यार, क्या यार क्या क्यों पीछे पड़े उसके, वो हमारी फेवरेट कार है उसको बेचते नहीं। ठीक है 47,72,887 नहीं 53। ओके अच्छी बिक्री करता, अच्छी कीमत में बेच पा रहे हैं, अब 53 के ऊपर बेच रहे हैं, हर कार 53 लाख के ऊपर बेच रहे हैं, अब इसको भी हम 53 में बेचेंगे। ठीक है खरीद ले भाई। ओके और कोई ज़्यादा बार्गिंग नहीं कर रहा है, 53 बोले ना तो 53 में आराम से खरीद ले। वैसे मैं इसको 54 में भी बेच सकता हूँ, पर कोई ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा लालच की। 53 सारी बुगाटी चिरॉन मैंने बेच दिए, सारी के सारी यानी कि 7 बुगाटी चिरॉन आज मैंने बेच दिए। तो आज की वीडियो में हमारी बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली कमाई हो चुकी है क्योंकि सारी कार मैंने 50 लाख के ऊपर बेची, और अभी देखो मेरे पास कितने हो गए गाइस, 9 करोड़ से भी ज़्यादा डॉलर मेरे पास हो गए। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट चैलेंज हम कौन सा करें वो कमेंट करके बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।